आप अपना देख लीजिए किसी का फोटो हो। अरे उधर दिखाओ, तुमने इधर गाड़ी का खींचा मैंने, इनके दिखा देना किसी गाड़ी का फोटो हो। दिखा दीजिए, एक भी आपकी गाड़ी के फोटो नहीं है। हमारा फोटो हम खींच, आप खींच लीजिए। चिल्लाना नहीं, आप चिल्लाने गए, हम चिल्लाने गए। चिल्लाना नहीं, पहले फोटो दिखा, तुमने गाड़ी का, हम चिल्ला के बात कर रहे हैं। अवकाश से बात करो, बात कर रहे हो, विधायक से बात कर रहे हो, हम जानते हैं, माननीय होता है। देखिए आपकी ड्रामा ना करो, मैंने खुद देखा, तुमने फोटो देखिए, मैंने खुद देखा, तुमने सुनिए तो, ज्यादा होश में रहना मुझसे। सुनिए सर, फोटो या बगैर हेलमेट की हम लोग ले रहे हैं, वर्दी की घुसे तुम लोग, तुमने साजिश करी बगैर हेलमेट वालों की मान ली। नहीं तुम तुम बहुत, तुम्हारा दिमाग खराब है। फोटो ले लीजिए, आप फोटो ले लीजिए, आपकी आपकी गाड़ी का कोई नंबर हो तो बताइए आप। अरुण नहीं, तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब है। अरे हम उससे ऊपर लगा रहे हैं, कमिश्नर साहब को लगा रहे हैं। जी नमस्कार मेरे भाई, खैरियत से? बता दो बता दो। ये आपके है सुधीर रावत, इनका नंबर है भाई, और एक है आपके अजय कुमार, संजय कुमार, काफला निकल रहा अबू आजमी साहब का, बीच में रोक के फोटो खींच रहे हैं सबका, और पूरा गंगा पुल में जाम करे हुए हैं, झूठ मूठ के लिए परेशान कर रहे हैं हम सबको, और ना जाने क्या क्या बकवास कर रहे हैं। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार, ना जाने क्या क्या बता रहे हैं। कार्यक्रम अबू आजमी साहब के यहाँ प्रोग्राम लगे हुए, झूठ मूठ काफले का फोटो खींच रहे हैं। यही तो क्या है, क्यों है, और फोटो खींचे कह रहे ये गाड़ियां कैसे चल रही है। आपके एक है संजय कुमार और एक है, मैं आपके दोनों का फोटो भेज रहा हूँ। करुण आसिम साहब को तुम डीजीपी को लगा फोन, डीजीपी को लगा, आप भेज दीजिए ना, आप डीजीपी को डीजीपी के, हमें धमकी नहीं दे रहे, आप फोटो भेज दीजिए सर, आप फोटो, आप डीजीपी की धमकी दे सर, आप फोटो भेज दीजिए बस, खाली खत्म, आप फोटो खींच लीजिए, भेज दीजिए, डीजीपी की धमकी दे रहे हैं, फोटो भेज दीजिए, डीजीपी की धमकी दे रहे हैं। एक वीडियो जो अभी मेरा, जो आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं और जो सिपाही हैं उनसे जो वायरल हो रहा है, तो मैं तमाम पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूँ कि भाई मैं विधायक हूँ, मैं क्षेत्र की समस्या लेके, आम कार्यकर्ता की समस्या लेके तो शहर में घूमता ही रहूँगा। अब आप बताइए कि एक जुलूस एक काफिला निकल रहा है, उसमें दो सिपाही वहाँ पे खड़े हैं, रामादेवी पुल की ये मामला है, फोटो खींच रहे हो और फोटो खींच के घर पे चालान भेजते हो। इससे पहले तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, तमाम लोग आते हैं, जब ये बीजेपी ये पुलिस वाले फोटो नहीं खींचते, ये क्या चाहते हैं? और भाई अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो आप अब उसको ये भी तो देखिए कि क्या है मामला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का कि उसने गाड़ी का फोटो खींचा। और इससे पहले भी एक बार 15-20 दिन पहले की बात है, वही सिपाही संजय नाम है, क्या नाम है अल्लाह वाला मुझे सही से नहीं याद है, इससे पहले भी रामा वहाँ का जाजमुख पुल का मामला था, जब भी वो फोटो खींचा था तमाम गाड़ियों का, उसने मेरी गाड़ी का कोई फोटो नहीं खींचा। मैं एकदम स्पर्श करके आपको बता दूं कि उसने मेरी गाड़ी का फोटो ना खींचा, ना अबू आजमी साहब की फोटो, वो जो हमारा काफिला निकल रहा था जो आगे लड़के जा रहे थे उनका फोटो खींचा ताकि बाद में चला लूं। तो मैंने उससे से पूछा तो उसमें एक दूसरा सिपाही आके बदतमीजी के, जिसके लिए मैंने वहाँ पे मौजूदा जो TI साहब थे उनसे, शायद विनोद यादव उनसे भी मैं, तो उन्होंने भाई जी मैं इस मामले को देख लूंगा। तो मेरी पत्रकार बंधु आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि कभी कभी पूरी बात भी जान लिया करो, जो आप लोग कहते हो हमेशा गलती मेरी नहीं होती।